हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और आज है मंडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:15। और यहाँ मैं सुबह सुबह ऊपर ब्रश करने आई थी तो यहाँ मैं बादल दिखा रही हूँ आपको, जो मैं एक बार देख के नीचे चली गई हूँ कि बादल कितनी तेज़ी से हवा में उड़ रहे हैं, यानी इधर से उधर जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये नज़ारा भी थोड़ा कैप्चर कर लेते हैं, आप लोग भी देखिए। सुबह सुबह के नज़ारे का, सुबह सुबह के मौसम की बात ही अलग होती है। और मुझे ब्रश करने के लिए ऊपर छत पर आकर घूमना टहलना बहुत अच्छा लगता है। और मैं नहा ली हूँ और यहाँ मैं अपने बालों को ड्रायर कर रही हूँ। और अच्छा लगता है जब बाल धो के ड्रायर से बाल ड्राई करते हैं तो थोड़े खिले खिले बाल हो जाते हैं। और अभी हम तैयार हो चुके हैं और कहाँ जा रहे हैं ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि जाने से पहले मुझे हमारे लिए कुछ नाश्ता बनाना है और भैयू घर पे रहेगा तो उसके लिए भी कुछ बनाना है। तो हमारे लिए और भैयू के लिए मैं नाश्ते में बना रही हूँ उपमा, और उसके लिए दिन में खाने के लिए, लंच के लिए बना रही हूँ खिचड़ी। उसे बहुत पसंद है खिचड़ी तो इसलिए वो बना रही हूँ। तो एक तरफ मैं उपमा फ्राई कर दूँगी हरी मिर्ची से और एक तरफ मैं खिचड़ी बना दूँगी। हम औरतों का ऐसा ही रहता है, क्योंकि हम घर में रहें बाहर जाएं तो हमें किचन का काम करके ही जाना पड़ता है। ना किचन हमसे छूट पाता है और ना ही हम किचन से। तो बस किचन तो ऐसा है कि ये काम हमेशा हमारे साथ रहता ही है, हम बाहर जाएं, बाहर करें, घर में करें। तो यहाँ पे हमारा उपमा तैयार हो गया है, ठंडा हो रहा है हम दोनों का नाश्ता, और खिचड़ी भी हो गई है, उसकी सीटी आनी बाकी है। मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं सारे जो हुए थे चाय पानी के, खाना बनाने के, और अब थोड़ा सा टिप टॉप हो जाते हैं। बाहर जाते वक्त मेकअप करने के लिए मैं कौन सी क्रीम यूज़ करती हूँ, कौन सा फाउंडेशन और कौन सा कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ, ये मैं फिर कभी आपको बताऊँगी किसी और वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? होंगे, खुश होंगे। हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, मतलब रोहित जी जा रहे हैं इंदौर शॉपिंग करने उनकी। तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा घूमाऊँ, घर में बैठी हूँ, कहीं गई भी नहीं, 4 महीने हो गए 4-5 महीने, तो थोड़ा घूम आएंगे, कुछ पसंद आया तो ले आएंगे। हम जानते हैं कि कोरोना में बाहर जाना इस समय में सही नहीं है, लेकिन 5 महीने हो गए कोरोना से डरते डरते। और हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ ऐसा नहीं है कि हम लोग जिस जगह जा रहे हैं, जैसे हम इंदौर जा रहे हैं तो पूरी इंदौर में घूमेंगे या हर एक दुकान पे जाएंगे या हर एक व्यक्ति को छुएंगे, ऐसा नहीं है। हम अपनी खुद की गाड़ी से जा रहे हैं, हम दोनों जा रहे हैं, और ना किसी के साथ जा रहे हैं ना किसी और गाड़ी में जा रहे हैं। तो ऐसा डर है, हम लोग अपनी पूरी सेफ्टी से जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने बस उठे और चल दिए हैं, पिछले 5 महीने से हम लोग बाहर से ही, मतलब कि ऑनलाइन ही सामान बुला रहे थे। लेकिन कुछ एक दो शॉप ऐसी हैं जहाँ पे पेटीएम वगैरह काम नहीं कर रहा है, या जहाँ पे हमें खुद ही जाके उस सामान को देख के लाना पड़ेगा, क्योंकि उनको सामान समझ नहीं आ रहा है। तो बहुत सोचने समझने के बाद हमने ये निर्णय लिया, फैसला किया कि ये तो जाने का इनका तो था ही, लेकिन मुझे इसलिए बोल रहे थे कि इनको एक कंपनी मिल जाती है, भाई अकेले जाओ अकेले आओ, 2 घंटे का सफ़र होता है, 2-2.5 घंटे का, तो बोर हो जाते हैं, तो इनको एक कंपनी मिल जाएगी। वैसे ये जहाँ जाते हैं, जिन शॉप पे जाते हैं, मैं तो शॉप के अंदर भी नहीं जाती, मैं तो बाहर ही खड़ी रहती हूँ गाड़ी के पास, और ये शॉप के अंदर जाके सामान लेके आते हैं जहाँ भी इन्हें जाना होता है। तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों ही ऐसी जगह भटकते हैं, कुछ ही कुछ मेन दुकानें होती हैं और ना हम किसी के घर जाते हैं।
और रही बात कि मुझे जाना है डी मार्ट, तो देखते हैं डी मार्ट की क्या कंडीशन है, वो खुला है बंद है, चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। और मैं हो गई हूँ तैयार, और ये नई नोज़ रिंग निकाली है मैंने, मतलब नोज़ पिन निकाली है। एक जो मेरी पुरानी थी वो पता नहीं कहाँ रख दी है मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो एक और लाए थे मैंने बर्थडे वक्त के व्लॉग में बताया था, वो वाली निकाल के पहनी है। और मैं हो गई हूँ तैयार, तो अब मेरी जो जाने की तैयारी है, पैसे वगैरह रखना करना। रोहित जी ने अपने खुद के पैसे रखे हैं उनके सामान के, मुझे मेरे पैसे रखने हैं, और मुझे जूते सब पहन के हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि बाहर ठंडा मौसम हो रहा है, बरसात भी हो रही है। और यहाँ पे रोहित जी ले आए हैं दही, वो बोलते हैं कि दही खा के जाना शुभ होता है। उनको तो बस जहाँ भी, मतलब अब इंदौर तक ही तो जाना है, 2 घंटे का रास्ता, लेकिन उनको उसमें भी थोड़ा सा शगुन चाहिए कि भाई पानी वानी ना आ जाए, कुछ मतलब ख़राब ना हो जाए हमारे साथ में, इसलिए वो हमेशा घर से दही खा के ही जाते हैं। और यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ मेरी एक वॉच जो ब्लू कलर की है, यानी ब्लू बेल्ट की है, और मेरे इस ड्रेस से मैच करेगी, लेकिन अभी वो मिल नहीं रही है मुझे, और मैं उसी को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो तो मिली नहीं। मुझे पता है कि टाइम आने पर कोई चीज़ मिलती नहीं, बाद में ही मिलेगी, तो मैंने दूसरी वॉच पहन ली और मैं हो गई तैयार। और ये मेरा बैग है, इसमें सारे जो भी हमको सामान लाने के लिए बैग्स वगैरह रखने हैं वो हैं, पर्स है, और एक्स्ट्रा कुछ मोबाइल वगैरह रखने का है, और मास्क कभी डेली यूज़ किया नहीं तो थोड़ा अटपटा सा लगता है, मेरी नाक में खुजली आने लग जाती है मास्क लगाते वक्त। यहाँ पे गाड़ी पे लगाना अनिवार्य है, और बाहर मतलब पूरी इंदौर में पूरी गाड़ी पे, यानी घर से निकले उसके बाद से घर आए तब तक मास्क लगा के ही रखना पड़ा है हमें, और मुझे कान ढकने पड़ते हैं। तो चुन्नी लगा ली है मैंने, स्कार्फ ले रही थी मैं, लेकिन रोहित जी मना कर गए कि स्कार्फ मत रखो, कितनी सारी चीज़ें रखोगी अगर पानी आया गीले हो गए तो। और यहाँ हम निकले वैसे ही महेश्वर में पानी था थोड़ा सा, लेकिन जब हम महेश्वर से बाहर हुए तो पूरा पानी बंद हो गया था, और सुबह यहाँ पे रात में पानी आ चुका है, गिरा हुआ है पानी। और हम लोग रास्ते में हैं, जो नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ ये पानी गिर चुका है, उसके बाद हम निकले हैं। और ये इंदौर का हाईवे रोड है और जो बिल्कुल सूखा है, यहाँ पे पानी नहीं गिरा है। और ये घाट है जहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, घाट से निकलते वक्त सचमुच बहुत डर लगता है। हाईवे रोड बना हुआ है 2 पार्टीशन में, लेकिन फिर भी ना ट्रक यहाँ पे बहुत चलते हैं, तो ट्रक के पास से जब ये गाड़ी निकालते हैं तो मेरी तो जान पे आ जाती है कि भाई थोड़ा धीरे चलाओ, ऐसा नहीं वैसा नहीं, यहाँ से चलाओ वहाँ से निकालो। मैं हमेशा पीछे बैठ के कमेंट ही करती रहती हूँ, और ये बिल्कुल भी जवाब नहीं देते, उनको पता है कि मुझे डर लग रहा है इसलिए मैं इसे बड़बड़ाऊँगी। हम सभी माँ बहनों की ऐसी आदत होती है, आई थिंक आप लोगों की भी होगी। और यहाँ पे एक सुंदर सा नज़ारा था, तो रोहित ने कहा कि इसे कैप्चर कर लो मोबाइल में। यहाँ पे जो घाट पे सब निकल रहे थे तो वहाँ पे ना जो बादल हैं वो पहाड़ों पे दिख रहे थे, मतलब पहाड़ों से भी नीचे दिख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कैप्चर करो, मैंने बहुत ही जूम करके और कैप्चर किया है इस नज़ारे को, आप भी देखिए। और जैसे ही हम इंदौर पहुँचे, सबसे पहले डी मार्ट खुला हुआ था और भीड़ भी नहीं थी, तो हमने सोचा यहीं पे सबसे पहले हम शॉपिंग कर लेते हैं। हमारी पूरी शॉपिंग हो गई है, और अंदर मोबाइल वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता है, तो हम लोग बाहर निकल के, मैं मतलब यहाँ बिलिंग करवा रहे हैं रोहित जी, और मैं थोड़ा सा वीडियो कैप्चर कर रही हूँ चोरी से आपके लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। और यहाँ पे ना पूरी व्यवस्था थी सैनिटाइजिंग की, हम लोगों को सीधे नहीं आने दिया, हम लोगों को नीचे जो पार्किंग थी वहाँ से निकाला, वहाँ पे सैनिटाइजिंग की पूरी व्यवस्था थी। उसके बाद वहाँ से नीचे से घूम के हम ऊपर मेन जो डोर है वहाँ पे आए, वहाँ पे भी सैनिटाइज़र रखा हुआ था, और एक लड़का खड़ा था उसने सैनिटाइज़र हमें दिया, हमने हाथ पे लगाया, और फिर हम अंदर आए। और यहाँ पे मतलब ट्राली वगैरह सबको सैनिटाइज करके रखा हुआ है, करते रहते हैं, हमने बाहर निकले तो देखा। और मतलब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें पहले मिलती थी उतनी नहीं है, पर यहाँ पे चीज़ें भी ज़्यादा नहीं आ रही, जितनी हैं उतनी ही बिक रही हैं। किराने सामान की जो चीज़ें थी वो बहुत सारी थी, लेकिन जो प्लास्टिक आइटम या जो दूसरे आइटम थे बर्तन वगैरह, उसमें मुझे एक मैशर, एक थोड़ा सा चॉपर मेरा था वो ख़राब हो गया, वो लेना था, और कुछ और सामान लेना था, वो मुझे मिला नहीं, क्योंकि बर्तन का जो सेक्शन था वो पूरी तरह ही खाली था, मतलब कुछ ही कम आइटम थे। तो यहाँ पे हमारी बिलिंग हो चुकी है, बिलिंग होने के बाद एक बार फिर चेक होगा और हम बाहर निकलेंगे। तो उसके बाद जब हम बाहर निकल जाएंगे तो भी ये लोग सैनिटाइज़ करते हैं सारी चीज़ों को, ये बिलिंग करने से पहले भी सैनिटाइज़ कर रहे हैं हाथों को। तो हमारी बिलिंग चेक हो गई है, हम निकल रहे हैं बाहर,
और बाहर आने के बाद भी मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे किस तरह का सिचुएशन है। अभी तो इधर सब कुछ खाली है, साइड में पार्किंग व्यवस्था है। और हम लोग सुबह 9:30-10 बजे यहाँ पे आ गए थे। उसके बाद हमने 1 घंटे के लगभग शॉपिंग की और अभी 11:45 बज रहे हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं। और देखिए कितनी भीड़ हो गई है यहाँ पे। उनको भी अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान होगा सभी लोगों को, और यहाँ पे कुछ अच्छी व्यवस्था ही होगी तभी सब लोग आ रहे हैं। तो चलिए, हम तो बाहर से आए थे और मुझे जो भी मतलब जो सामान मुझे महेश में मिलता है मैंने वो नहीं लिया है, लेकिन जिस चीज़ पे मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं हाँ थोड़ा फ्री मिल रहा है, थोड़ा अच्छा सामान मिल रहा है किफ़ायती, तो ही मैं यहाँ से चीज़ें खरीदती हूँ। वैसे मैं जो लेने आई थी दो तीन मेन आइटम वो मिले ही नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, कुछ खास खास चीज़ें ले ली हैं हमने, कुछ नहीं आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा नहीं बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं। पर सब लोग कहते हैं कि भैया आप डीमार्ट हमेशा जाते हो, लेकिन मैं साल भर में एक ही बार आ पाती हूँ। पिछले साल भी मैं राखी के टाइम डीमार्ट आई थी और इस बार भी मैं राखी के टाइम ही डीमार्ट आई हूँ। वैसे गर्मी की छुट्टियों में अधिकतर आना होता है या फिर दिवाली पर, लेकिन अभी तो 2 साल से ये 2 बार ही आना हुआ है, पिछले साल 1 बार और अभी 1 बार, और उसके पहले तीसरे साल भी 1 ही बार आना हुआ था। ऐसा मेरा साल भर में 1 ही बार आना होता है, तो मैं हमेशा यहाँ से शॉपिंग नहीं करती हूँ। जब आना हो जाता है, जब त्यौहार का टाइम होता है, जब कोई सीज़न वाला टाइम होता है, तब यहाँ पे कुछ ऑफ़र वगैरह होते हैं तभी आती हूँ। वरना तो वैसे नॉर्मल शॉपिंग तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये एक शॉप पर आए थे जहाँ भगवान के कपड़े वगैरह मिलते हैं, मुकुट मिलते हैं। सिर्फ ये दुकान थी जिसमें रोहित जी ने मुझे कुछ कपड़े देखने के लिए, चूज़ करने के लिए बुलाया था, तो मैं अंदर आई थी, वरना बाकी सारी दुकानों पे ही मैं बाहर खड़ी हुई नज़र आऊँगी आपको। वैसे मैंने ज़्यादा तो शूटिंग की नहीं दुकानों पे, क्योंकि यहाँ पे भी शूटिंग करना अलाउ हो ना हो कोई ऑब्जेक्शन ले, इसलिए मैं नहीं करती। तो बस मैं नहीं बता रही थी कि कौन से साइज़ के, यहाँ पे बड़े साइज़ के हमारे पास कपड़े नहीं थे, यानी हमारी शॉप पे तो हम बड़े साइज़ के ले रहे हैं। आपने जो पिछली बार लड्डू गोपाल देखे होंगे पिछली वीडियो में, उनके साइज़ के नहीं थे, तो उन्हीं के साइज़ के कपड़े ले रहे हैं। यहाँ पे मैं तोरण और वो जो थाल कवर करने का आता है वो देख रही थी, और बस हो गया, इन्होंने सामान ले लिया। मैं बाहर निकल के खड़ी हो जाऊँगी और ये अपना बिल विल बनवा के आते रहेंगे। तो बस ऐसे ही हमने 2 या 3 दुकानों पे जाके ख़रीदारी की है, मतलब इन्होंने की है, मैं तो सिर्फ़ एक ही शॉप पे गई थी। और बस उसके बाद हमारी पूरी शॉपिंग होने के बाद हम निकल आए हैं महेश्वर के लिए। और सुबह से लेके अभी तक हमने सिर्फ चाय पी है, उसके अलावा 1 बार वो भी, उसके अलावा ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। और हम ऐसे ही निकल रहे हैं क्योंकि होटलों में जाने का और वहाँ खाने पीने का मन नहीं होता कि पता नहीं कैसे हो कैसे ना हो। लेकिन इंदौर में जहाँ भी हम गए, अधिकतर दुकानों पे ठेले पे जहाँ भी मतलब हमने देखा, सबके पास सैनिटाइज़र रखा हुआ था, और कुछ दुकानों पे नहीं भी था तो चलता है, जो अपने सेफ्टी के बारे में सोचते हैं वो रखते हैं, जिन्हें लगता है कि कुछ अच्छे लोग ही आ रहे हैं तो वो उन्हें आने देते हैं, ऐसा होता है। तो बस अब ये था हमारा आज का वीडियो, और जो भी शॉपिंग मैंने की वो मैं अभी इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार